चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड फ्रेट पे कैपो लगाई है मैंने इस सॉन्ग को इजी करने के लिए। इसके बाद सारे के सारे ओपन कॉर्ड्स यूज जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर, सेकंड कॉर्ड है सी मेजर, थर्ड कॉर्ड है जी मेजर, फोर्थ डी मेजर, और एक जगह बी मेजर भी लगाया है, ठीक है। ये पांच कॉर्ड्स हैं, फिर से देख लेते हैं। ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर एंड बी मेजर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए रिदम की तरफ चलते हैं। जिस गाने में मैंने रिदम यूज की है थ्रू आउट वो है डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। इसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हैं सिर्फ डाउन डाउन स्ट्रोक, ठीक है। तो अगर आपको ये टफ लग रही तो आप सिंपली इससे भी आप पूरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं दोनों यूज करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर एंड डी मेजर, ठीक है। तो यही प्रोग्रेशन है सबसे ज्यादा यूज हुई है, ठीक है। बीच में कुछ चेंजेस होंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज हुई है प्रोग्रेशन वो है ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर एंड डी मेजर, ठीक है। जो पहली लाइन है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है। तो पहले हम ई माइनर से शुरू करेंगे, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर, सरफेस। नेक्स्ट लाइन भी सेम है, सी लग जाएगा जहां पे शूज बोलते हैं, योर शूज, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन की प्रोग्रेशन थी वो है ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर एंड सी मेजर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इतना पार्ट। तो आप इसको चाहे रिदम में प्ले कर सकते हैं या फिर डाउन 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 स्ट्रोक भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, जी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर, ई माइनर, जी मेजर, सी मेजर, डी मेजर। यहां पे मैं सिर्फ डाउन 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 स्ट्रोक यूज कर रहा हूं। जब जहां से कोरस शुरू होगा वहां से मैं रिदम यूज करूंगा, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी प्ले करना चाहें, ठीक है। G major, C major, last में D major। अब यहां से हम रिदम शुरू करेंगे, उससे पहले प्रोग्रेशन है वो देख लेते हैं। E minor, C major, G major and D major। तो E minor, C major, G major and D major। So, D major, so, E minor, C major, la, G major.
फिर लास्ट में जो लाइन एंड बी लेस लाइक यू, ई माइनर पे खत्म हो गई। ठीक है, तो पूरा जो पैराग्राफ है मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब वर्स पे चलते हैं। वहां की जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए भी सेम रहेगी, ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर। ठीक है, कैन यू सी दैट यू, सी मेजर, स्मॉलिंग मी, इसके बाद जी मेजर, होल्डिंग टू टाइटली, डी मेजर, अफ्रेड टू लूज कंट्रोल, ई माइनर लास्ट में आना है क्योंकि इसके आगे भी हमें सेम प्रोग्रेशन प्ले करनी है। ठीक है, तो ये रिदम में प्ले करके दिखा देता हूँ। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी सेम प्रोग्रेशन है। सी मेजर ऐड होगा इसमें सेकंड लाइन में जहां पे यू आता है। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन की प्रोग्रेशन है सिर्फ उसमें लास्ट में डी के बाद हम एक सी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसकी प्रोग्रेशन हो जाएगी ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर एंड लास्ट में सी मेजर। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, जी मेजर एंड सी मेजर। नेक्स्ट लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो सिर्फ ई माइनर और जी मेजर है। तो ई माइनर टू जी मेजर, तो इस पूरे जो दो लाइनों की प्रोग्रेशन थी वो है ई माइनर, जी मेजर, सी मेजर, देन ई माइनर, जी मेजर। ठीक है, इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। रिपीट कर देंगे। अब इसकी बात की जो प्रोग्रेशन है डी मेजर पे आना हमें, डी मेजर टू ई माइनर, देन अगेन डी मेजर, देन सी मेजर टू सी माइनर। एंड आई नो तो जिसकी प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर एंड सी मेजर। एंड आई नो आई मे एंड अप फॉलिंग यू, जो नेक्स्ट लाइन है उसकी भी जो प्रोग्रेशन वो डी मेजर से शुरू होगी। बट आई नो, अब यहाँ पे बी मेजर लगेगा। यू वर जस्ट लाइक मी बट समवन डिसअपॉइंटेड यू। ठीक है, तो डी मेजर एंड बी मेजर, इसको पूरा रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, एंड आई नो इसके बाद हम कोरस पे वापस आ जाएंगे जो हम अभी प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।